अररिया में मुहर्रम जुलूस के दौरान एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ पर दो दर्जन लोग हाई टेंशन की तार की चपेट में आने से झुलस गए हैं। जहाँ सभी ताजिया लेकर के जा रहे थे और ये ताजिया हाई टेंशन तार में जाकर के टकरा गए, जिसके बाद सभी लोग बुरी तरीके से घायल हो गए हैं और सभी का इलाज चल रहा है। बताया जाता है कि कुछ लोगों का कंडीशन बहुत बुरा है, जहाँ मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहे हैं। यह हादसा बिहार के अररिया में हुआ है। बिहार के अररिया के प्लासी के पिपरा बिजवार इलाके में यह हादसा हुआ, यह घटना घटी है। ताजिया जुलूस के दौरान तार के संपर्क होने से सभी लोग झुलस गए हैं। बताया जाता है कि सभी लोग ताजिया पकड़े हुए थे और इस दौरान ताजिया तार के संपर्क में आ गए ऊपर। जब लोगों ने तार को देखा नहीं और इस संपर्क में आने के कारण सभी लोग बुरी तरीके से झुलस गए हैं और सभी का इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक पलासी थाना क्षेत्र के पिपरा बिजवारा में मुहर्रम ताजिया जुलूस के दौरान ताजिया के 33,000 केवी वाले तार में सट जाने से करीब दो दर्जन लोग करंट लगने से घायल हो गए हैं। ताजिया के साथ जुलूस खेत से होकर के लोगों के दरवाजे तक जाने के क्रम में यह हादसा हुआ है। सभी घायलों को पलासी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहले लाया गया, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। वहीं पर आधा दर्जन से अधिक करंट लगने से झुलसे लोगों को अररिया सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दूं कि मुहर्रम जुलूस को लेकर के यूं बिजली काटी गई थी, लेकिन ग्रिड में आने वाले हाई वोल्टेज तार की चपेट में ताजिया के आने से यह हादसा हुआ है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आप ये भी बताइए कि इस मुहर्रम जुलूस में इस तरीके के ताजिया निकालना क्या इस्लाम में जायज है। अगर आप मुसलमान हैं तो आपको तो ये चीज पता होगा। इस तरीके की जो जुलूस निकाला जाता है, ताजिया लेकर के ढोल बजाए जाते हैं और हाथों में डंडा लेकर के हथियार लहराए जाते हैं और लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, जिस रास्ते से गुजरते हैं उस रास्ते में उत्पात मचाते हुए जाते हैं, आसपास के घरों को, दुकानों को, सामानों को नुकसान पहुंचाते हुए जाते हैं। क्योंकि मुहर्रम तो शहादत का दिन है, जहां शहादत के दिन में मातम मनाना चाहिए और लोग यहां पर आकर के उत्पात मचाते हैं। ये कहां तक सही है और आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जाने से पहले आपके लिए एक जरूरी खबर है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। केडीबी लाइव ऐप में बिहार की किसी भी खबर को एक मिनट से भी कम समय में दिया जाता है। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीबी लाइव, आ जाएगा, इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।